श्रीकांत शिंदे भी जुड़ रहे हैं, एकनाथ शिंदे शिवसेना के, श्रीकांत एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के और जो आधिकारिक शिवसेना मानी गई उसके श्रीकांत शिंदे साहब हैं। और श्रीकांत शिंदे साहब, हमने सुना आपको मंत्रालय ऑफर हुआ, आपने मंत्रालय लिया नहीं, ये आज के जमाने में कौन करता है और क्यों किया आपने ऐसा? मुझे लगता है कि आज पार्टी को जो है मेरी ज़रूरत है। पार्टी जो है आज लोकसभा में 7 सीटें हमें जीती है, आने वाले विधानसभा तक जो है पार्टी को और मजबूत ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट लेवल तक जो है पार्टी को मजबूत करना है, पार्टी का काम करना है। पार्टी का काम करने में मुझे मज़ा आता है और मुझे लगता है कि एक उदाहरण जो है महाराष्ट्र के सामने माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने यहाँ पर रखा है कि एक कार्यकर्ता को न्याय देने का काम जो है पुत्र मोह को बाजू में रखकर कार्यकर्ता को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए जो आज उदाहरण मुझे लगता है कि पूरे महाराष्ट्र ने और पूरे देश ने देखा होगा कि मैं भी जो हूँ पहली बार सांसद नहीं बना, मैं तीसरी बार सांसद यहाँ पर बना हूँ। चाहे तो मैं मंत्री मंडल में शामिल हो सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि एक कार्यकर्ता को आगे लेके जाने का काम जो, क्योंकि हमारी कार्यकर्ताओं की पार्टी है शिंदे साहब, अगर आप देखोगे तो एक कार्यकर्ता, शाखा प्रमुख, नगर सेवक, सभागार नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन और मुख्यमंत्री, ऐसे उनका प्रवास जो है, सफ़र जो है आपने देखा है। और मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं का अपेक्षा होती है कि हमें भी जो है एक दिन जो है सर्वोच्च पद जो है मिलेगा। और मुझे लगता है कि योग्य निर्णय जो है माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने यहाँ पर लिया है कि जो 3 बार MLA रहे, 4 बार MP रहे, 1 बार मिनिस्टर रहे, उनको न्याय देने का काम जो है आज शिंदे साहब ने यहाँ पर किया है। जी प्रताप राव यादव जी, आपकी आपकी पार्टी की तरफ से मंत्रिमंडल में शामिल होंगे ये दिख रहा है और अभी शपथ ग्रहण भी हो जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र में थोड़ा सा झटका तो लगा साहब। अब ये जो, और अब मैं शिवसेना की अगर बात करूं, उद्धव ठाकरे शिवसेना और आपकी शिवसेना, इसके लिए अब आगे विधानसभा चुनाव भी हैं, तो ये वाली जो दिक्कत है या ये वाली जो चुनौती है, अगर दिक्कत ना भी कहूँ चैलेंज कहूँ, इस चैलेंज को देखते हुए आपने मंत्रिमंडल छोड़ा और पार्टी का काम करना ज़रूरी समझा? देखो मुझे लगता है कि पार्टी को जो अभी यश मिला है, 7 सीटें आई है जी और 4 सीटें आती थी, हम जो है लास्ट मोमेंट तक कैंडिडेट जो है डिसाइड कर रहे थे, कुछ कैंडिडेट्स को हम लोग ने चेंज किया, उसकी वजह से जो है कुछ सीटें कम हुई हमारी। लेकिन एक फॉल्स नरेटिव जो है इस पूरे महाराष्ट्र में चलाया गया कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, इस फॉल्स नरेटिव के चलते जो सीटें जो है यहाँ पर कम हुई, अगर आप देखोगे तो शिवसेना का जो वोट शेयर था 19%, उसमें से 14.4% जो है हमें मिला है, जो कि असली शिवसेना है। इनके पीछे जो है मराठी जो है जनता खड़ी नहीं हुई, जो ओरिजिनल शिवसेना को वोट करती थी वो लोग जो है खड़े नहीं हुए, इनके साथ जो है जो इनके बाजू से खड़े हुए वो 4.5% खड़े हुए, और उसके साथ में जो है टेम्पररी अरेंजमेंट जिसको हम कह सकते हैं कि जो फतवा निकल कर जो है वोट कराए गए वो वोट्स इनको मिले, और इस वोटों के वजह से जो है ये सीट्स जो है मुंबई में, मुंबई के बाहर जीते हैं। तो मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि मुंबई के 3 सीट्स जो है ये जो जीते, ये सिर्फ और सिर्फ जो है मोहल्ले के वोट्स पर जो है यहाँ पर जीते। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि ये संविधान खतरे में है, ये नैरेटिव चला, इस नैरेटिव में इस बात ने और उसको बल नहीं दिया जो 400 पार का नारा था, आपको लगता है कि वो दोनों जुड़ गए, इस वजह से वो जो नैरेटिव था उसको और बल मिल गया? देखो मुझे लगता है कि हम आज आप देखोगे परिस्थिति तो 300 सीट्स जो है NDA जीत चुकी है जी, और मुझे लगता नहीं है कि कोई दिक्कत जो है इसके अंदर थी, लेकिन इस 400 पार के नारे को जो है गलत तरीके से इस्तेमाल करने का काम जो है विरोधियों ने किया यहाँ पर, और लोगों को जो है संभ्रमित कर दिया कि अगर ये 400 पार करेंगे तो ये पूरा संविधान बदल डालेंगे, आरक्षण बदल डालेंगे। तो मुझे लगता है कि ये नैरेटिव ब्रेक करने में हम कहीं तो असफल रहे, लेकिन नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव जो है एक ही बार चलता है, बार बार जो है वो लोगों को आप झूठ नहीं बोल सकते, तो ये जो झूठ बोला गया वो एक बार झूठ जो है लोगों को अभी झूठ समझ में आया। संविधान दिन बनाने का काम हमारी सरकार ने किया, पुराने पार्लियामेंट को संविधान सदन नाम देने का काम हमारी पार्लियामेंट हमारी सरकार ने किया, तो संविधान का पूरी इज्जत करने का काम, संविधान पर चलने का काम हमारी सरकार यहाँ पर कर रही है, लेकिन अपोजिशन ने इस नैरेटिव को जो है पूरे जोरों शोरों से झूठ झूठ बोलो
ताकि लोगों इतने जोर से झूठ बोलो कि लोगों को सच लगे, ऐसी परिस्थिति जो है आज महाराष्ट्र में हुई, इसलिए हमारी जगह जो है कम हुए। चलिए एक आखिरी सवाल भी जो है, एक आखिरी सवाल श्रीकांत जी हमारे पर है, एक आखिरी सवाल, अब ये बताइए, ये जो अभी तक कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे सेना और उद्धव ठाकरे सेना फिर से मिल जाएंगी, आपके लोग उधर चले जाएंगे या उनके लोग इधर आ जाएंगे, इसकी कितनी संभावना आपको दिखती है रियलिस्टिकली? कोई कहीं जाने वाला नहीं है, उनके ही लोग जो है दिन ब दिन जो है गए, दो सालों में अगर आप आंकड़े निकालोगे तो यूबीटी के लोग जो है रोज जो है शिवसेना में जो है शामिल हो रहे हैं। और आज ये जो परिस्थिति हुई है अभी कि 14.4% वोट जो है हमारे साथ में है, सिर्फ उनके पास 4.4% है, आने वाले समय में वो 4.4% भी जो है हमारे तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और इनके तरफ जो है कुछ रहेगा नहीं, ये जो है टेम्पररी वोट बैंक से जीते हैं यहाँ पर। तो लोगों को आज जो है जो ओरिजिनल शिवसैनिक है, जो ओरिजिनल मतलब जो लोगों को लोग जो वोट करते हैं शिवसेना को, उनको जो है असली चेहरा जो है इनका पता चल गया है। जिस कांग्रेस का हमेशा जो है बाला साहब ने विरोध किया, जिस विचारों का बाला साहब ने विरोध किया, उन विचारों के साथ उन लोगों के साथ जाकर बैठने का काम जो है यूबीटी ने वहाँ पर किया। मैं कहूँगा कि ये जो है कांग्रेसी यूबीटी हो गई है, कांग्रेसी यूबीटी, शिवसेना नहीं कहूंगा मैं, कांग्रेस की यूबीटी हो गई है। तो लोगों को जो है इनका असली चेहरा पता चल गया है, आने वाले समय में आप देखेंगे महायुति को जो है अच्छा यश जो है महाराष्ट्र में मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए श्रीकांत शिंदे साहब। श्रीकांत शिंदे एकनाथ शिंदे शिवसेना के, जिनका कहना कि असली शिवसेना कौन है ये वोट शेयर ने साबित कर दिया है। खबर ये कि श्रीकांत शिंदे को भी मंत्रिमंडल के लिए निमंत्रण था, लेकिन उनकी बजाय एकनाथ शिंदे सरकार ने, एकनाथ शिंदे शिवसेना ने अपनी तरफ से प्रताप राव जाधव को मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए भेजा है और वो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोग बैठ